हेलो। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का बहुत ही बड़ा टॉपिक लिंकेज। तो लिंकेज का सबसे पहले बताइए आप कि एक्सेप्शन क्या है। तो लिंकेज का एक्सेप्शन क्या है? मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो ये लिंकेज है ये अपने आप में एक अलग थ्योरी है, लेकिन हम लोग जेनेटिक्स शुरू से मेंडल को पढ़ते आ रहे हैं जो एक आइडियल थ्योरी है। तो इससे जो मेंडल से जो अलग आता है तो उसको एक्सेप्शन मान लेते हैं। तो मेंडल क्या किए थे? मेंडल के बारे में बात कर रहे हैं अभी। क्या बात कर रहे हैं? जो मेंडल लिए थे डायहेबिटिकस लिए थे, ठीक है। तो डायहेबिटिकस लिए थे तो उसमें दो जो करेक्टर लिए थे, क्या लिए थे? जो दो करेक्टर लिए थे वो सेम क्रोमोजोम पे नहीं थे। तो अगर सेम क्रोमोजोम पे होते, मान लीजिए जो मेंडल जो करेक्टर लिए थे जिनका जो जीन लिए थे उस पे जो करेक्टर थे वो सेम जीन पे नहीं थे। तो अगर सेम जीन पे होते तो क्या होता? या तो मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कवर नहीं कर पाते या तो लिंकेज डिस्कवर कर पाते, लेकिन लिंकेज डिस्कवर नहीं कर पाते। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय क्रोमोजोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी? क्रोमोजोम की। तो क्रोमोजोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो कैसे कर पाते? तो फाइनली क्या करते, कंक्लूजन क्या निकला कि वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट को अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो फेल हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ? क्रोमोजोम और जीन क्या खोज हुआ? क्योंकि मेंडल जीन भी नहीं खो जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जीन का भी खोज नहीं हुआ था। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो अब लिंकेज क्या होता है? लिंकेज क्या होता है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंक्ड जीन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ नॉन एलिक जीन ऑन नॉन एलिक जीन ऑन सेम क्रोमोजोम। तो सेम क्रोमोजोम पे जो होगा तो वो क्या करेगा? लिंक्ड शो करेगा। ये बाद में पता चला, ठीक है। तो जैसे ये समझाने के लिए यहां दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर कर देते हैं। तो जैसे देखिए ये क्रोमोजोम हो गया, ठीक है। तो जो क्रोमोजोम हो गया यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये सारे क्या है? जीन है। तो ये सारे जो जीन है अलग अलग करेक्टर के लिए शो कर रहा है। तो ये जो जीन है एक दूसरे से कैसे है? नॉन एलिक जीन है, लेकिन ये सब क्या है? लिंक्ड है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा सारे आएंगे, ठीक है। इसी और ये पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप। क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? लिंकेज ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसको रफ कर देना, चलिए रफ करते हैं। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है? तो लिंकेज ग्रुप तो इसमें क्या होता है? लिंकेज ग्रुप में जीन प्रेजेंट तो क्या होता है? जी लिंकेज ग्रुप क्या होता है? जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम और या उन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ये डिफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि डिफिनेशन से ही लिंकेज ग्रुप समझेंगे। ये समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो समझने के लिए एक क्या लेते हैं? क्या बना रहे हैं? क्रोमोजोम।
जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो कितने हैं ये, कितने लिंक जीन हैं, लिंकेज ग्रुप कितने हैं, एक, और यहाँ पे बना दे रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब कितने हुए, कितने हुए बताइए, एक ही हुए, ठीक है, तो ये बना दिए और दूसरा यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरा क्या है, ये भी अपने आप में एक लिंकेज ग्रुप है, और ये भी, और ये भी, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, ये भी अपने आप में दोनों में है, क्योंकि ऐसा क्यों, एक ही है, क्योंकि ये जो मान लीजिए ये हाइट का जीन है और ये कलर का जीन है, तो दोनों हाइट और कलर जीन का क्या है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो सेम लोकस पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सेम लोकस पे नॉन एलिंगजिन सेम होते हैं ना, तो ये हाइट का था, ये भी हाइट का होगा, तो दोनों क्या है, लिंक्ड है, इसे एक लिंकेज ग्रुप ये है और ये एक लिंकेज ग्रुप एक ये है, समझ आया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला आपको, तो कंक्लूजन निकला कि अब लिंकेज ग्रुप निकालना होगा तो कैसे क्या करेंगे, तो लिंकेज ग्रुप निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालना होगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस ग्रुप, किसी भी सेल में हमें निकालना होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से, ठीक, या नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ मोनोपोलाइड सेल, नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ मोनोप्लोइड सेल, प्लोइड सेल, तो मोनोप्लोइड क्या, सेल मतलब गैबिट, गैबिट क्या होता है, प्लोइड होता है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी सेल का लेते हैं, जैसे ह्यूमन का, तो ह्यूमन बोले हैं तो यानी कितना होगा, कितना क्रोमोजोम होते हैं, 13 क्रोमोजोम कितने होते हैं बोलिए, 23, ये ह्यूमन बोल रहे हैं तब, इसी में अगर बोलेंगे मेल, क्योंकि पूरे क्रोमोजोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, कितने होते हैं 46, तो उसका कितने, 23 पेयर होते हैं ना, इसलिए 23 पेयर हो जाएगा, अगर ह्यूमन बोल रहा है तो, अगर मेल बोल रहा है तो कितना हो जाएंगे, 24, क्योंकि एक सर्वाइव होता है ना, ये बढ़ जाएंगे ना, तो डिफरेंट हो गया, ठीक, और फीमेल में कितना हो गया, 23, इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो अगर मेल बोलेगा तो 24 लिंकेज ग्रुप, और फीमेल बोलेगा तो 23, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको समझ में आया अच्छे से, तो अब हम लोग लिंकेज, और हाँ लिंकेज का टर्म किसने, नहीं सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, क्योंकि आपको हमें समझाना था लिंकेज ग्रुप, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, अगर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ऑब्जर्व लिंकेज, तो किसने किया, फर्स्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व किसने किया, बेटसन एंड पुनेट ने, बेटसन बेटसन एंड पुनेट, ठीक है, लेकिन टर्म और उसके जो थ्योरी दिए थे लिंकेज पे वो किसने दिए थे, किसने दिए थे, मॉर्गन ने, ठीक। अब इसका हम जनरल फीचर देख लेते हैं पहले, इसके बाद अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।